हुकूमत को मौका दे सकते हैं बैठकर बात करें, हमारे साथ बैठकर इलेक्शन की तारीख दें या फिर हम असेंबलियां तहलील कर दें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। इमरान खान की मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश पर हुकूमत का रद्दअमल भी आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तला मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुल्क में आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। ना तो पंजाब हुकूमत टूटती नजर आ रही है ना केपी हुकूमत, निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का कहना है बंद गली से निकले, टेबल पर बैठे, सिस्टम में रहते हुए निजाम को बदलें, इर्द गिर्द घूमने वाले सांप पहले ही आपको ले डूबे हैं। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर फायरिंग, पाकिस्तानी नाजिम उल उमूर बाल बाल बच गए, सिक्योरिटी गार्ड को 3 गोलियां सीने में लगी। काबुल पुलिस का एक मुबैना हमलावर गिरफ्तार करके असलहा बरामद करने का दावा। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा का कहना है कि मुलव्वस मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान का जख्मी सिपाही मोहम्मद इसरार और नाजिम उल उमूर उबैद निजामानी को खसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान वापस बुलाने का फैसला। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की काबुल फायरिंग की शदीद मजम्मत, सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम, अफगान हुकूमत से फौरी तहकीकात का मुतालबा, इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की भी मजम्मत। चौधरी शुजात ने हालात के मुताबिक जुर्रतमंदाना फैसला किया, उनके खानदान को उन्हीं की तकलीफ करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का चौधरी खानदान को मशवरा, मुदर सिलाई से मुतालिक सवाल पर कहा इस बारे में सवाल उन्हीं से किया जाए, वो खुद बेहतर जवाब दे सकते हैं। एमक्यूएम का सिंध से सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान, वसीम अख्तर कहते हैं 8 दिसंबर को पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में हिमायत मांगी, एमक्यूएम का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो जाएगा। नासिर हुसैन शाह का मुत्तहिदा से इजहार तशक्कुर, मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान पर भी तनकीद। महाजरों को सियासत के मंजरनामे से गायब करने का ख्वाब देखने वाली आंखें उजड़ चुकी हैं, मुल्क को बचाना है तो जिन्होंने मुल्क बनाया था उनके हाथ में दिया जाए। 1970 से मरदमशुमारी महाजरों के खिलाफ हो रही है, हम अदालतों में गए, ये हमारी कामयाबी है, नई मरदमशुमारी शुरू होने वाली है। सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। और वजीर आला पंजाब ने कच्ची आबादियों को मकीनों को मालिकाना हकूक देने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही का कहना है कि कच्ची आबादियों में 10 मरले तक अराजी वाले मकीनों को मालिकाना हकूक देंगे, सबरी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी।